वेलकम, स्वागत है निशा ब्लॉग में। और देखिए मेरा इंटरव्यू हो रहा है, साथ में मेरे बबलू भैया है जो मेरे हस्बैंड जी हैं। आई बहुत पागल जो देवर जी है ना, जो अपने आप को समझते हैं कि बड़ा हीरो, एहन लड़की से खराब लड़की से शादी कराएंगे कि दे पहना मुंह हाथ सब सोच कर दे। और साथ में सुनील सर है जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप देख सकते हैं, फोकस कीजिए, यही सर है जो मिस्टिक। अरे इधर फोकस कीजिए, यही सर है जो मिस्टिक रानी को वायरल किए हुए हैं। आज हम लोग को वायरल करने के लिए आए हैं कि हम अपने देवरे साथ रह पति को ढूंढ के, ऐसा बात नहीं है। हम अपना वीडियो मनोरंजन के लिए बना रहे हैं, थोड़ा कुछ बोल दीजिए। लास्ट वीडियो है, यही बोलेंगे कि चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत सारा ऐसा परिवार है जो आप लोगों के देखने से चलता है। आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो उनसे कुछ लोगों का घर का भरण पोषण होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसा होता है बहुत गलत वीडियो बनाता है। तो डिसाइड आपको करना है कि कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा नहीं देखना है, किनको सपोर्ट करना है, किनको नहीं सपोर्ट करना है। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चल रहा है स्केल? हेलो हेलो, नहीं चल रहा है स्केल? चलो वो ठीक है, जा लगा उसको। अब आ गया, अब हो गया। हेलो हेलो हेलो, आ रहा ना, चल रहा है। हेलो हेलो, हो गया। हंसना नहीं है, स्टार्ट करें। सर पता नहीं आपका खाना भी पहुंचे भाई, आप हेलो हेलो करते हैं। अरे कुछ मत लगाए भाई, आपको बनाने दो ना पहले भाई, आप लोग बना लीजिएगा उसके बाद। ये कर तो मुझे ऐसी सगाई हो रहा है। अच्छा से करो, अच्छा से इधर इस साइड आ जाओ, सामने से ये वाला जो है इसको ऐसे लगा, मोबाइल में ठीक। स्टार्ट करो। चलिए 1 2 3 अभी चल, स्केल चल रहा है ना, स्टार्ट करो। हाँ, चल रहे ना, ध्यान से देखिए इस शख्स को। ये वह सुजाता मिश्रा है जो कुछ महीने पहले जो है इनसे शादी कर लेते हैं। 65 साल की उम्र के हैं, इनसे शादी कर लेते हैं और अब इनसे मन भर गया है। तो नौजवान लड़के को फंसा ली है, इनके जीवन बर्बाद कर रही है। कह रही है कि देवर के साथ रहेंगे, अब मरद के साथ नहीं रहेंगे। अब डिस्प्ले पर वीडियो देख रहे हैं, उसमें यही लोग हैं और ये कह रही है कि हम देवर के साथ रहेंगे, पति के साथ नहीं रहेंगे। सही बात है जी। सबसे पहले दर्शक जितने भी देखने हैं सभी हाँ। नमस्ते, और प्रणाम, मैं सुजाता मिश्रा। ऐसा बात नहीं है, कैसा बात है, ये रील्स हम बनाए उसमें हाँ। बोला गया था। नहीं, आप रील्स में खुला बोल रही हैं कि हाँ हम देवर के साथ रहेंगे, मर्द के साथ नहीं रहेंगे, कई बात सही है। हाँ, हम देवरी छाते रहो, हम एग्री छाते रहो, इनके साथ रहिएगा, पति के साथ नहीं रहिएगा। हॉल देखिए, ये आपको भी धोखा दे दे रही है। धोखा नहीं देगी हाँ, जैसा दर्शक देखेंगे मनोरंजन हाँ। के लिए वैसा रील बनता है, वैसा रील बनता है। सच में आपको धोखा नहीं ना दे रही है? ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको छोड़ के उधर सटक लेंगी। नहीं, सो बात नहीं है हाँ, तो कौन बात है, रील में ऐसा बात बोलती है हाँ। हकीकत में अगर कहीं हो जाए, पता चले कि इनके साथ सटक ली तो क्या कीजिएगा? ना सो बात नहीं है हाँ। अगर चल गई तो क्या कीजिएगा? नहीं जाएगी। चल गई तो क्या कर लीजिएगा? नहीं करेंगे, नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। देखिए पूरा विश्वास है, लेकिन आप तो कह रही है कि देवरे के साथ रहें। हाँ, तो रील्स बनाने के लिए इनके साथ रहेंगे। रील्स बनाने के लिए साथ में रहिएगा, क्या सही बात है, रखिएगा जी। हम रील्स बनाने के लिए सिर्फ रखेंगे, रील्स बनाने नहीं, लेकिन वीडियो में तो भाभी जी बोल रही है कि देवरे के साथ रहेंगे। वीडियो जो है दर्शक के मनोरंजन हाँ। के लिए, तो हम लोग मनोरंजन के लिए जो जिस प्रकार का वीडियो वायरल चलता है, ट्रेंड करता है, उस प्रकार का हम वीडियो देते हैं, तो हम लोग का भी काफी प्यार दुलार मिलता है, मिलियनों में भूज गया है जी। तो मतलब वीडियो बनाने के लिए आप भौजाई को मेहरारू बना लीजिएगा। भौजाई के मेहरारू, मम्मी, बहन सब बनाते हैं, सब बना लीजिएगा। सही बात है हाँ, जैसे जैसे हाँ। लेकिन बहुत सारा ऐसा वीडियो जो है सोशल मीडिया पर, भाई मेरे सही से कर लो कैमरा, ये उधर देख रहा है कि कैसा बन रहा है ठीक।
लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है आपका वीडियो और भी बहुत सारा रील वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि हम भातरा के साथ ना देवरवे के साथ रहेंगे। हाँ, तो देवरे साथ रहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अगर नहीं रखेंगे तो फिर क्या करिएगा? कैसे ना रखेंगे, मेरे साथ काम करते हैं, कैसे ना रखेंगे? हाँ, सोशल मीडिया पर हम तो हल्का मचा देंगे। तो सच में आप रखिएगा कि छोड़ दीजिएगा? नहीं रखेंगे। ऐसा होता है कि मन भरता है तो आदमी छोड़ देता है। इसको हम कहाँ रखें? नहीं रखेगा, बहुत देखिए मुंह पर बोल दिए कि नहीं रखेंगे। एक बार बताते हैं, हाँ। साथ साथ काम करते हैं, हाँ। काम करते हैं कि नहीं? हाँ। रखेंगे कैसे ना रखेंगे, रखना तो पड़ेगा, रखना पड़ेगा। हाँ, तो लेकिन कह रहे आपके सामने कि नहीं अच्छा रखेंगे। नहीं, जब आगे बढ़े हैं, हाँ। तो हम जब आगे बढ़े तो हाँ। कि आप मुझे साथ नहीं दिए हैं, हाँ। हम आपको साथ दिए, हाँ। आज हम इनके साथ दे रहे हैं तो ये हमको कैसे छोड़ देंगे? कैसे छोड़ देंगे? जब तक शादी नहीं हुआ तब तक रील्स बनाएंगे, जो बीच में आएगी उसको टपका देंगे। देखिए सच में, देखिए जी, लग रहा है आपका ब्याह हुआ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, हम इनके साथ सिर्फ वीडियोज बनाएंगे। हाँ, कुछ नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपका शादी होती होगा तो टपका दिया जाएगा। कैसे टपका देंगे? मेरा मन होगा तो अभी शादी कर लेंगे। कोई लड़की है तो बोलिए, शादी कर लेंगे। खुला 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 ऑफर जी, हमारे चैनल पर खुला ऑफर जी, खुला ऑफर देख लीजिए। ये अभी आपको छोड़ने के चक्कर में है, ऑन कैमरा छोड़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि शादी करने के लिए ये नहीं बोल रहे कि हम आप शादी नहीं कीजिए, बस शादी कीजिए। जब शादी हो जाएगा तब जिसके मर्जी होगा उसके साथ आप बनाइए। अभी जो रील्स है वो मेरे साथ, अब नाम बदनाम जो भी अभी बोलते देवर के साथ रहे। आज देवर जी धोखा देंगे तो कल पति भी मेरा बोलेगा कि तू तो ओकरा साथ रहे तो क्या की है? कुछ नहीं की है। तो ये तो मर्द है, हम तो औरत है। औरत का हाल तो आप जानबे करते हैं कि मैं क्या थी, मैं क्या से क्या हो गई, मैं क्या थी, मैं क्या से क्या हो गई, वाह वाह, मैं खुद के लिए एक सजा हो गई। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ? हस्बैंड भी छोड़ दिया, देवर भी छोड़ दिया, तो बीच में हम क्या हो जाएंगे बताइए? ये तो हो जाएगा मेरा घर, मैंने घर के रहूंगी ना मैं घाट के रहूंगी, बताइए आप ही लोग बताइए। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इनके साथ हम रील्स बनाते हैं कल ये छोड़ देंगे, ये बोलेंगे कि तू तो सबके बोल रही है कि देवरे साथ रहे, देवरे साथ रहे, तो आज ये नहीं सपोर्ट करेंगे कल ये, तो बीच में हम क्या करेंगे? अब बताइए, आपकी वाइफ आपको छोड़ के देवर के साथ चली गई है, उनको देवर छोड़ दीजिए देंगे तो आप रखिएगा? हाँ, हम रखेंगे। बुरा नहीं ना लगेगा कि ना, ना। देवर के साथ रही है, अब हमारे पास फैला रही है? ना ना, काम में है, सीन जैसा आएगा वैसा हाँ। देवर साथ करेगी। हाँ, लेकिन आप रखिएगा ना, पूरा प्यार मोहब्बत रहेगा। हाँ। जाने के बाद भी देवर के साथ रहती है? नहीं, तो बात थोड़ी होता है। हाँ। काम में, हाँ, वीडियो में जो शूट होता है, हाँ, वो काम करेंगे, वो काम करेंगे, सही बात है। साफ साफ बोलिए, देवर के साथ रहेंगे कि हस्बैंड के साथ? अभी तो देवरे साथ रहते हैं, तो देवरे के साथ रखिएगा। कहीं भी जाते हैं तो मेरे हाँ। साथ जाते हैं, आते हाँ। हैं, और इन्हीं के साथ जाते हैं, ये इतना नहीं जाते आते हैं। हाँ। तो अभी तो इसीलिए देवरे के साथ छुट्टी आ गई है ना। आप देखिए, दर्शक देखना चाहते हैं तो हम दोनों के साथ भी जाते हैं। हाँ, आप देखिए तो कितना प्यारा आपके हस्बैंड जी हैं, दाढ़ी उड़ी देखिए, सेविंग करा के देखिए, तो हैंडसम नहीं लगते हैं का? हैंडसम लगते हैं कि नहीं? ये बात हम सब दिन से बोले कि मेरे लिए 16 साल के ही है। हाँ, जब वह 16 साल के ही है, 16 साल के रहेंगे, हम कभी ना बोले कि मेरे हस्बैंड खराब है, बहुत हाँ, अच्छे हैं। हाँ, तो हस्बैंड सही नहीं है, स्मार्ट नहीं है, देखिए तो हंस रहा है, तो हंस रहा है तो ऐश्वर्या राय फिदा हो जाएगी इन पर। हम खुद फिदा हो गए हैं, हम खुद ही इनसे प्यार करके शादी किए हैं। तो आप इनसे प्यार करके शादी किए तब तो फिर है ना, पता कट रहा है ना? पता कट नहीं रहा है, नौजवान है, देख रहे हैं अभी, इनके पास टाल टाइम है, इनके पास टाइम ही नहीं है, तब किन कीजिएगा? ऐसा नहीं है, टाइम दोनों के पास है, दोनों टाइम से ही रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कहिए कि दोनों के पास नहीं, देवर का तो हक होता है भाई के, कहीं सिनेमा हॉल जाती है तो देवर के साथ चल जाती है, मॉल दुनियादारी जहाँ देवर के साथ चलती है, कहाँ कोई दुनिया उसको क्लेम करता है कि देवर के साथ काहे जाती है, देवर के साथ काहे जाती है, क्यों ऐसे करती है, क्यों हाँ, ऐसे करती हाँ, है, तो हमको काहे तनाव दुनिया मारी। सही बात है, होली का समय आ रहा है जी, होली में तो भाभी साथ रंग खेला ही रहता है। अब बताइए, चांस मारने के लिए तैयार है? देखिए, ये हम मेरे संत रंग ना खेलते हैं, लेकिन आखिरी बार तो होली आ रहा है, औकात उतना असली वीडियो भी नहीं बनाना चाहते, औकात उतना ही रखे जितना पोशाक भारी रहे। हाँ, बस देवर है, देवरे तक तो क्या, अभी जो है होली आने वाला, तो क्या है होली में देवर आपको रंग नहीं लगाएंगे? हम देखिए, होली में हम तो उतना रंग खेल भी नहीं करते। हाँ, का लग रहा है, छोड़िएगा, बहुत भाभी रगड़िएगा, ये नहीं खेलेगी रंग तो बहुत भाभी है मेरे पास।
किसी और के पास जाइएगा, देख लीजिए होली में क्या हुआ और जाने के चक्कर में जब हम नहीं जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे, ये भी नहीं जाएंगे, ये भी नहीं जाएंगे। सही बात है जी, ना ना जाएंगे हम जरूर, होली कैसे नहीं मनाएंगे होली। अब सब आप लोग फरिया लीजिए, जाना चाहते आप नहीं जाना चाहते। देखिए हम बहुत गाली सुन के बात सुन के इनके साथ काम करते हैं। अगर कोई लड़की बोले कि चलिए मेरे साथ वीडियो बनाइए, उस लड़की का भी दिमाग होना चाहिए कि जो रेगुलर साथ रहती है। हाँ, हाँ। पत्नी आ जाएगी तो हम नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेगा, नहीं रोकेंगे। लेकिन अभी कह रहे हैं कि किसी और भाभी के साथ जाएंगे। अब होली खेलना हम तो ना खेलते होली, अब किस भाभी के साथ तो जाने दीजिएगा इनको, तो होली खेले जाने दीजिएगा, होली में जाने दीजिएगा कि नहीं देवर को। सुनिए ना, होली है तो भाभी देवर का प्यारे जो भाभी होली में देवर को जाने नहीं बनाने देंगे, रील्स नहीं, होली में जाने दीजिएगा कि नहीं इसको, देवर को जाने दीजिएगा कि नहीं। होली में तो अपना घर रहबे करते, घर मेरा ही है, इनका घर मेरा घर तो एक ही है। साफ साफ बताइए, होली देवर के साथ खेलेगा कि मर्द के साथ खेलेगा? लेकिन हम होली में हम अपना मर्द के साथ खेलेंगे, देवर के साथ। होली का बात छिड़े के होली हम उतना ना खेलते हैं, नहीं खेलती हैं। तो फिर ऐसा साल होली तो फीका रह जाएगा। नहीं हम तो खेलेंगे, जो मेरे वीडियो देखती है वो लोग भी आएगी तो खेलेंगे। हाँ दर्शक से भी आप होली साथ खेल सकते हैं। अरे बापरे अरे बापरे, कलकत्ता वाली है, कलकत्ता की भी है, जो हमारी दोस्त है वो बहुत अच्छा हमको प्यार आशीर्वाद देती है, वीडियो लाइक कमेंट करती है, उसके पास भी जा सकते हैं। बापरे देख लीजिए बड़का खुलासा, पंकज जी में का जो है कोलकाता में कोलकाता वाली है, वही होली खेलने जाएगा, दोस्त है वो। हाँ तो वो कोलकाता वाली से सेटिंग चल रहा है, भाभी जी को छोड़ दिया जाएगा। सेटिंग वेटिंग नहीं हम करते हैं ऐसे। हाँ। हम सिंगल है। हाँ। सेटिंग वेटिंग के चक्कर में नहीं रहते, काम से मतलब। हाँ। अरे बाप रे बाप, देख लीजिए हमारे पंकज जायसवाल जी है, ये सुजाता मिश्रा जी है उनके हस्बैंड जी है, और ये लोग जो है रील बनाता है और रील पर वीडियो ऐसे ऐसे बनाता है कि लोग रातों रात वायरल हो जाता है। अभी आप एक वीडियो देखे हैं जिसमें एक पत्रकार एक मैडम जी से पूछता है कि देवर के साथ रहिएगा कि भतार के साथ रहिएगा, तो क्या कहिए वो? हम देवरे के साथ रहे, और वीडियो जो है ज्यादा वायरल हो रहा है, और उसी वीडियो पे इन्होंने रील बनाया और आप लोग भी वायरल हो गए, आप लोग भी वायरल हो गए। लेकिन दर्शकों को वो बताइए कौन सा चैनल है जिसपे आप लोग वायरल हुए हैं? जी ऑफिशियल सुजाता मिश्रा। हाँ। और ऑफिशियल सुजाता मिश्रा 01 पे बनाए हैं, और पंकज जायसवाल 01 पे इसमें बनाए हैं। इंस्टाग्राम पर वायरल है जी, जी। अब समझ जाइए इंस्टाग्राम पर वायरल है और मीडिया काफिया के इंटरव्यू ले रहा है। बाकी हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा कि देवर भाभी के रिश्ते को लेकर, क्योंकि लोग कुछ बदनाम कर रहे हैं? बदनाम करना गलत बात है, और जब तक ये कुमार रहेंगे तब तक मेरे साथ हमार रहेंगे, जब तक कुमार रहेंगे हमार रहेंगे, सोचिए जब तक कुमार रहेंगे तब हमार रहेंगे। इसके बाद में शादी करने के बाद गलत तरीका से नहीं कहते कि हमार रहेंगे। हाँ। अगर लाइफ में इनके गर्लफ्रेंड आ जाएंगे तब जबरदस्ती चुरा के कहीं बतियाएंगे, थोड़ी जबरदस्ती जाके तान हमार करेंगे। हाँ। क्योंकि अपना पे शासन किया जाता है, पराए ये हमें शासन कर सकते हैं। हाँ। अगर हम इन पे शासन नहीं कर सकते जी। क्योंकि मैं घर में रहती, ये कहे कि भाभी ऐसे ऐसे मत कीजिए। हाँ। घर तक रहिए। हाँ। और ये बाहर जाते ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हमको क्या पता, हम अपना अपना प्रशासन तो कर भी नहीं करते हैं, रील्स बनाने के लिए रखे हुए हैं। जब तक रहेंगे जान तक रहेंगे, अब उनका अपना मर्जी क्या करेंगे, क्या करेंगे, कौन चिड़िया कौन डाल पर जाएंगे जाने। नहीं अभी शादी होगा तब नहीं, मेरे भी रिक्सी है, इनके माँ बाप, उनके माँ बाप सोचते होंगे कि भाभी के साथ रील्स बनाते हैं, किसी और छोकरिया सबके साथ जो रील्स बनाएंगे तो का हम छोड़ थोड़ी देंगे। अरे बाप रे, एग्रीमेंट साइन करवाएंगे। हाँ। अपने मम्मी पापा सबको बुलाएंगे कि एग्रीमेंट साइन कर, इसके बाद क्या है। हाँ। हम अपने बदमाश मतलब एग्रीमेंट साइन करा के छोड़िएगा। हाँ जब तक शादी नहीं होगा तब तक मेरे साथ वीडियो बनाएंगे। जब तक शादी नहीं होगा आपके साथ। हाँ, आज बदनामी का मोटा हम ही नहीं ढो रहे हैं। हाँ। इनका गर्लफ्रेंड थोड़ी ढो रही है, वाइफ थोड़ी ढो रही है। हाँ। इनकी मम्मी पापा थोड़ी। हाँ। हम ढो रहे हैं, ढो रहे हैं कि नहीं। हाँ। देख रहे हैं ताना मार रहा है दुनिया के, कहती है देवरी साथ रहेंगे, बारा छोड़िए देते ऐसे कर, वो कहे ऐसे करके गांव घर में जाए करते हैं ताना मार, ए छोड़ देती देखो ही ना, जब आगे बढ़ जाएगी तो छोड़ देगी, ऐसे ऐसे करके बोल। सही बात है, सही बात है। तो इनका इनका अपना सोच होना चाहिए कि हम किसके साथ, ये मेरी सहारा बने कि हम इनके सहारा दोनों के, तो यही ना जानेंगे। सही बात है, सही बात है। दर्शकों को क्या कहिएगा? दर्शकों के लिए यही कहेंगे कि आप लोग इस रिश्ते को गलत मत समझिए, जैसे कलाकार ये रिश्ता सिर्फ रील तक है, रील टाइप मतलब रील तक ही है। वीडियोज बनाने की और गाना जो भी है उसी तक है सीमित, लेकिन इसके बाहर भाभी है मेरी बस, और एक ऑफर भी है। हाँ, जिन लड़कियों को और क्रिएटर लोग को रील बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, भैया से बात कर लीजिएगा, हमसे कॉन्टेक्ट हो जाएगा।